पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है और होना भी चाहिए। जब तक ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा तब तक ना ही पेशेंट एक अच्छे मोटिव से ट्रीटमेंट करा पाएगा ना ही डॉक्टर कर पाएगा। पेशेंट एक फेथ के साथ हमारे पास आता है और डॉक्टर एक ऑनेस्टी से उसका ट्रीटमेंट करता है। जो फेथ होता है उसका, वो ये सोच के आता है कि जिस डॉक्टर के पास भी जा रहा हूँ मैं, उसके पास गलत ट्रीटमेंट नहीं होगा और हमें जो ट्रीटमेंट देना है उसका वही देना है जो उसको रिक्वायर्ड है। यही एक एम है इस क्लिनिक को, मेरा क्लिनिक जो अग्रवाल डेंटल क्लिनिक के नाम से है, उसको खोलने का। और पेशेंट मेरे पास जो आता है वो यही सोच के आता है कि उसका काम बहुत अच्छे से यहाँ पर होगा। यहाँ जो जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिकली यहाँ सारी फैसिलिटीज़ लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। इम्प्लांट्स है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, ऑल द गम ट्रीटमेंट आर देयर, मेजर माइनर डेंटल फैसिलिटीज़, डेंचर्स, रूट कैनाल फिलिंग्स, देन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, और बच्चों में जो कीड़े लग जाते हैं इनिशियली उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको हम रूट कैनाल सीलर्स बोलते हैं, वो भी यहाँ होता है। लेकिन इनकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है आजकल। अवेयर करने के लिए हमें यहाँ डेंटल कैंप्स भी लगाते हैं बेसिकली, और वो डेंटल कैंप लोगों को अवेयर करते हैं कि बच्चों में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डेंटल केरीज को, जो होने से पहले ही बच सकता है बच्चा। क्लिनिक मेरा फुल्ली स्टरलाइज्ड है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। आजकल पेशेंट इसके लिए खुद ही बहुत अवेयर है। जो एक इंस्ट्रूमेंट हम एक बार ही पेशेंट पे यूज़ कर देते हैं वो हम इंस्ट्रूमेंट दोबारा यूज़ नहीं करते अनटिल दे आर प्रॉपरली स्टरलाइज्ड। सो दिस इज़ द थिंग विच वी टेक केयर एट मोस्ट। तो एंड मोर ओवर एक्सरेज की फैसिलिटीज भी है जिसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, आता है इमीडिएट हम एक्सरे पेशेंट को रिपोर्ट भी बता देते हैं। मेरा नाम प्रिया गर्ग है और मैं पिछले 10 साल से शालिनी डॉक्टर डेंटल क्लिनिक पे आ रही हूँ। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है कि मुझे 10 साल हो गए यहाँ आते आते, या तो कोई फिलिंग का काम हो या क्लीनिंग का प्रोसेस हो, कुछ भी हो, डॉक्टर शालिनी इतना अच्छे से अटेंड करती है कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट मेरी सोसाइटी में 3 डेंटल क्लिनिक्स हैं विच इज़ जस्ट 500 मीटर्स फ्रॉम माई हाउस, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती। आई कम टू डायरेक्टली टू डॉक्टर शालिनी एंड शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड इन एवरीथिंग इन हर बिहेवियर। बहुत प्यार से पेशेंट को ट्रीट करती है कि पेशेंट बार बार आए। अभी रिसेंटली मेरा विजडम टूथ का एक ट्रीटमेंट था, काफ़ी मुझे पेन था 2-3 महीने से, मैं फटाफट आई, मेरा एक दिन 2-3 दिन में मेरा पेन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। सो थैंक्स टू डॉक्टर शालिनी। आई ऑलवेज से कि जिसको भी आना है डेंटल क्लिनिक शालिनी के आए, क्योंकि मैं हमेशा अपने सारे दोस्तों को उसी का ही नाम देती हूँ। My name is Kulbhushan Mahajan. I'm a patient of Dr. Shalini. I have had a very good experience with her and she has been very methodical and precise in her approach, and she has done a beautiful job for me. I have just been implanted with 5 implants. My mother has also been treated by her, and she was having a lot of problem, gum problem,
bleeding and a lot of pain, and it was within a week she got it organized, and in her clinic she did the denture for my mother, which was done in a week. And if you see, it's a really recommendable thing which she did. I am her patient, and she has done a lot of work on my teeth, and I have no complaints, and I'm only very thankful to her for being so very understanding. And I recommend everybody with the problem, dentist problem. She is a thorough professionalist, and I'm sure she will be able to solve any of the dentistry related problems. So I deeply recommend Dr. Shalini for treatment. मेरा नाम गगनदीप सिंह है. मैंने एक ट्रीटमेंट डॉक्टर शालिनी अग्रवाल से कराया है रूट कनाल का, तो वो मेरा ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. तो डॉक्टर शालिनी अग्रवाल का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, तो मैं अपने फ्रेंड्स और दोस्तों को, सबको रिकमेंड करता हूँ, भाइयों को, कि डॉक्टर शालिनी अग्रवाल से ही कोई डेंटल प्रॉब्लम अगर हो तो डॉक्टर शालिनी अग्रवाल के पास ही जाएँ, उनसे ही ट्रीटमेंट कराएं. डेंटिस्ट्री केवल एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर नहीं है, डेंटिस्ट्री एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी है. इसमें हम स्माइल को अपनी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको भी हम सीधा कर सकते हैं, दांत अगर टूटा हुआ है उसको भी हम बना सकते हैं एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के थ्रू. उसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर हैं. पहले क्या होता था, ब्रेसेस लगाते थे टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए, जो कि मेटालिक कलर के होते थे और वो नज़र आते थे, अच्छे भी नहीं लगते थे. लेकिन आजकल इसी को हमने रेनोवेट करके एक नया तरीके का शुरू हुआ है, जिसे कहते हैं हम लिंगुअल ब्रेसेस, जो कि अंदर की तरफ लगाए जाते हैं और नज़र भी नहीं आते, और उससे आपका प्रोसीजर भी, आपका एम भी कम्प्लीट हो जाता है टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए, और वो नज़र भी नहीं आता है. कॉस्मेटिकली हम उसको डिज़ाइन भी कर पाते हैं. और बहुत तरीके हैं हमें, जिनसे हम कॉस्मेटिक स्माइल पेशेंट को दे सकते हैं. जिनके दांत थोड़े बाहर होते हैं, या जिनके दांत एक के ऊपर एक चढ़ा होता है थोड़ा सा, या हल्का सा चिप ऑफ हुआ होता है, उसको हम एस्थेटिक डेंटिस्ट्री टर्म दिया जाता है, जिससे हम कर देते हैं. नए नए टाइप के कैप्स आ गए हैं आजकल, जिससे हम टूटे हुए दांतों को पूरा बना सकते हैं. एक होता है विदाउट मेटल कैप, मेटल फ्री कैप, जिसको जर्कोनिया कहा जाता है, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है. उस कैप को, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अपने आप में इतनी हाई है कि उसको कैप को लगाने से लगता है कि जैसे हमने नेचुरल टीथ ही वापस आ गया है, पता ही नहीं चलता कि हमने वो कैप लगाया हुआ है. सो दे आर द डिफरेंट प्रोसीजर विच कैन बी डन इन आर ट्रीटमेंट इन आर क्लिनिक. एंड वो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत नहीं है, हमने तब भी किया है. दिस ट्रीटमेंट विच यू रिक्वायर ओनली दैट इज़ डन ओवर हेयर. बहुत नए नए ट्रीटमेंट आ गए अपने लुक को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, ओवरऑल लुक तो हम इम्प्रूव कर ही देते हैं, लेकिन एक दांत भी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लुक्स में, स्माइल में हमारी. और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे बहुत तरीके होते हैं. डेंटिस्ट्री जो कि हेल्प करती है इन सब चीज़ों में, इसी में एक तरीका होता है ब्लीचिंग या वाइटनिंग. उसमें क्या होता है कि जिनके दांत पीले हैं या थोड़े गंदे लगते हैं, या किसी को कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन में या पार्टी में जाना है, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, स्माइल इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा लगने के लिए, हम ब्लीचिंग या वाइटनिंग जिसे बोलते हैं, या दांत सफ़ेद करना, वो भी प्रोसीजर हम करते हैं, जिससे पेशेंट का ओवरऑल लुक
ओवरऑल देखने का नज़रिया, अपना कॉन्फिडेंस, सब कुछ चेंज हो जाता है उसमें। अपॉइंटमेंट के लिए या तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन सिस्टम का अपॉइंटमेंट भी है जिसे प्रैक्टो के नाम से मैंने लिया हुआ है, तो उस पर आप कॉल करके भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।